अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिज़ीज़ कंट्रोल कि किस तरह से डिज़ीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। छह फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं डिज़ीज़ मैनेजमेंट के। सबसे पहले है अवॉइडेंस, फिर उसके बाद है एक्सक्लूजन, फिर इरेडिकेशन, प्रोटेक्शन, रेजिस्टेंस और थेरेपी। ये जो हम प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं डिज़ीज़ मैनेजमेंट के, डिज़ीज़ कंट्रोल के, ये हम प्लांट्स के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का मतलब ये है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, जो साइट है वो इन्वायरमेंट, वो साइट हमने सेलेक्ट करनी है प्लांट को ग्रो करने के लिए, जहाँ पर पहले से कोई इनोकुलम प्रेजेंट नहीं है, जहाँ पर पहले से कोई भी जो है वो डिज़ीज़ कॉजिंग एजेंट प्रेजेंट नहीं है, जहाँ पर पहले से कोई पैथोजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। या वहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए जो फेवरेबल हो इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, जब अभी हमने प्लांट ग्रो नहीं किया तो हमारे पास ये ऑप्शन है, हम किसी ऐसी जगह पर ग्रो करें जहाँ पर प्लांट को कोई ख़तरा ना हो, ठीक है, पैथोजन से। तो क्या किया जाएगा, ऐसी जगह पर प्लांट को ग्रो किया जाएगा जहाँ पर पहले से कोई इनोकुलम प्रेजेंट ना हो, मतलब जहाँ पर पहले से कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो और जहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो इन पैथोजेंस के लिए फेवरेबल ना हो, ठीक है, इन्फेक्शन के लिए फेवरेबल ना हो। तो इस तरह से हम क्या है, सबसे पहले तो डिज़ीज़ से अवॉइड कर सकते हैं। फिर सेकंड आ जाता है एक्सक्लूजन। अब यहाँ पर तो हमारे पास थी ऑप्शन थी कि अभी हमने ग्रो करवाना है प्लांट, ठीक है। अगर पहले से कहीं पर प्लांट प्रेजेंट है तो अब हम यूँ नहीं कर सकते कि वहाँ पर इनोकुलम जो है वो हम किसी ऐसी जगह पर मूव कर दें जहाँ पर इनोकुलम ना हो, नहीं। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो इनोकुलम है उसको नहीं आने देना। पहले हमने क्या किया, हमने ऐसी जगह पर नहीं जाना जहाँ पर पैथोजन प्रेजेंट है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जहाँ पर प्लांट है वहाँ पर हमने पैथोजन को नहीं आने देना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो पैथोजेंस हैं उनकी एंट्रेंस और एस्टेब्लिशमेंट को रोकना होता है, ठीक है। ऐसी क्रॉप्स जो पहले से अनइंफेक्टेड हैं, जिनको कोई इन्फेक्शन नहीं है, वहाँ पर पहली बात ये पैथोजन को आने नहीं देना, और अगर आ गया तो उसके इन्फेक्शन से रोकना होता है, ठीक है। और इसको किस तरह से कर सकते हैं कि जो सीड्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं वो सर्टिफाइड सीड्स यूज़ किए जाएं, ठीक है। जो बल्ब यूज़ की जाती हैं उनको पहले अच्छी तरह उनको सॉर्ट आउट कर लिया जाए, अगर उनमें कोई भी डाउटफुल है तो उसको टाइम से डिस्कार्ड कर दिया जाए, ठीक है। उसके अलावा जो सीड्स वगैरह यूज़ किए जा रहे हैं क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, प्लांट्स ग्रो करने के लिए, और ट्यूबर्स वगैरह, उनको जो है वो प्लांट करने से पहले अच्छी तरह ट्रीट करवा लिया जाए ताकि अगर उसके अंदर कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है तो वो रिमूव हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है इरेडिकेशन। इसमें क्या है कि अगर इनोकुलम आ गया, अगर पैथोजन आ गया, तो फिर उसको क्या करना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है या इनएक्टिवेट करना है, ठीक है। हमने क्या करना है, इलिमिनेट करना है, डिस्ट्रॉय करना है या इनएक्टिवेट करना है इनोकुलम को, ठीक है। इसमें हमने क्या करना होता है, पैथोजन को हमने अगर वो प्लांट में आ गया तो उसको जो है वो क्या कहते हैं, उसको हमने वहाँ से बाहर निकालना है। किस तरह से हम कर सकते हैं, पहली चीज़ ये कि अगर कोई प्लांट है उसका पार्ट जिसके ऊपर इन्फेक्शन हुआ है उस पार्ट को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो प्लांट का पार्ट है, जो डिज़ीज़ प्लांट का पार्ट है उसको हम रिमूव कर देंगे, या हम डिज़ीज़ प्लांट को जो है वो रिमूव कर देंगे। जाहिर सी बात है, एक जगह पर बहुत सारे प्लांट्स प्रेजेंट होंगे तो जो डिज़ीज़ वाला प्लांट होगा उसको वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि बाकी जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। दूसरा है डीप्लॉइंग टू बरी डिज़ीज़ प्लांट डेब्रिस। अच्छा, इसमें क्या है कि अब वो जो डिज़ीज़ प्लांट डेब्रिस था, जो डिज़ीज़ प्लांट के जो पार्ट्स थे उनको हमने क्या करना है, हमने एक घड़ा खोद के जो है अच्छी ज़्यादा गहरा घड़ा खोद के वहाँ पर उनको जो है वो बरे कर देना, दफन कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, रोटेशन ऑफ ससेप्टेबल क्रॉप्स विद नॉन ससेप्टेबल क्रॉप्स, यानी वो क्रॉप्स जो सेंसिटिव हैं इन्फेक्शन से, वो क्रॉप्स जो पैथोजन से सेंसिटिव हैं उनको हमने रोटेट करवाना है जो नॉन सेंसिटिव है उनसे, ठीक है। यानी कि हमने क्या करना है, अगर हमने एक दफ़ा एक जगह पर वो क्रॉप ग्रो करवाई है जो सेंसिटिव है, ठीक है, जो बहुत नाजुक है, जिसको फटाफट जो है वो पैथोजन ने आके उसके ऊपर अटैक कर देना है, तो उसके बाद में जो है हम वहाँ पर वो वाली क्रॉप ग्रो करवाएंगे जो थोड़ी ताकतवर होगी, ठीक है, जिसके अंदर पावर होगी, जो जिसको जो है वो पैथोजन नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। तो सेंसिटिव क्रॉप्स और नॉन सेंसिटिव क्रॉप्स की रोटेशन करवाने का मतलब ये है कि एक दफ़ा एक क्रॉप ग्रो करवानी है, अगली दफ़ा दूसरी क्रॉप ग्रो करवानी है, ठीक है। फिर हीटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं और केमिकल के थ्रू भी हम इसको इरेडिकेट कर सकते हैं, जो पैथोजेंस हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन ये कि अगर फॉर एग्जांपल कोई प्लांट है और उस जगह पर क्या है इनोकुलम भी आ गया, तो अब हमने क्या करना है, प्लांट और इनोकुलम के दरमियान कोई हमने बैरियर बना देना है, ठीक है, कोई रुकावट बना देनी है,
जिससे क्या है कि वो जो पैथोजन है वो होस्ट पे आके ग्रो ना कर सके, उसको आके इन्फेक्ट ना कर सके, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रोटेक्टिव स्प्रे या डस्ट वगैरह जो है वो यूज़ की जाती हैं, ताकि जब स्प्रे वगैरह कर दिया जाता है तो पैथोजन आकर भी जो है वो प्लांट को नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। फिर आ जाता है रेजिस्टेंस। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, ऐसी वैरायटीज़ जो हैं वो ग्रो करवाई जाती हैं जो कि रेजिस्टेंट होती हैं, ठीक है, यानी रेजिस्टेंट होती हैं, टॉलरेंट होती हैं। मतलब रेजिस्टेंट या टॉलरेंट का मतलब ये है कि अगर कोई पैथोजन आ भी जाता है तो उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है, उनके अंदर इतनी पावर होती है कि वो उस पैथोजन से लड़ सकती हैं, तो वो होती हैं रेजिस्टेंट या टॉलरेंट वेराइटीज़, ठीक है। तो ये सबसे ईजी और चीप मेथड है और एफिशिएंट वे है डिजीज़ की वजह से जो लॉस होता है उससे बचाने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पहले हमने जो इसके अंदर जो वैरायटीज़ जो हमने सेलेक्ट करनी है, ऐसी वैरायटी सेलेक्ट करनी है जो एक या एक से ज़्यादा जो पैथोजन है उससे रेजिस्टेंट होंगी, मतलब एक या एक से ज़्यादा पैथोजन से लड़ सकती हैं, ठीक है। और जो रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं इनके भी जो सीड्स वगैरह, सर्टिफाइड सीड्स वगैरह जो हैं वो अवेलेबल होते हैं जिनको हम ग्रो करवा सकते हैं। लास्ट पे आ जाता है थेरेपी। इसमें क्या किया जाता है, इसमें कोई भी इंडिविजुअल प्लांट को जो है वो ट्रीट करवाया जाता है, ठीक है, इसको हम लार्ज स्केल पे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, हमने इसमें प्लांट को किसी भी ऐसे तरीके से ट्रीट करवाना है जिससे जो है वो पैथोजन इनएक्टिवेट हो जाए। अभी जो हमने इरेडिकेशन पढ़ा था उसमें भी जो लास्ट टू पॉइंट्स थे वो भी किस में आ जाते हैं, थेरेपी के अंदर भी आ जाते हैं, जिसमें हमने क्या करना है, हमने कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ करनी है, कोई भी ऐसा मैथड यूज़ करना है, सॉरी कोई भी ऐसा जो है वो ऐसी चीज़ यूज़ करनी है जी, जिसके अंदर क्या है, जिससे क्या है कि जो पैथोजन है वो इनएक्टिवेट हो सके। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है कीमोथेरेपी। इसमें क्या है, हम केमिकल्स को यूज़ करके पैथोजन को इनएक्टिवेट करवाते हैं, डिस्ट्रॉय करवाते हैं, ठीक है। दूसरा आ जाता है हीट। हीट भी क्या करता है, हीट से भी जो वायरसेस की डिवेलपमेंट वगैरह होती है प्लांट टिश्यूज़ के अंदर, इन्फेक्टेड प्लांट टिश्यूज़ के अंदर, वो इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है। लास्ट पे आ जाता है थर्मोथेरेपी। इसके अंदर क्या होता है कि जो डिजीज़ प्लांट है उसको हॉट वाटर या हाई एयर टेम्परेचर से एक्सपोज करवाया जाता है डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम पे, जिसकी वजह से क्या है कि जो पैथोजन है उससे बचा जा सकता है। तो ये सारे थे हमारे बेसिक प्रिंसिपल कि किस तरह से जो है वो डिजीज़ को मैनेज किया जा सकता है, डिजीज़ से बचा जा सकता है, और अगर डिजीज़ हो गई है तो मज़ीद जो है वो उसकी वजह से किसी लॉस से बचा जा सकता है। सबसे पहले अवॉइडेंस है। अवॉइडेंस के अंदर हमने क्या कहा था कि हमने उस जगह पर ही नहीं जाना जहाँ पर डिजीज़ होगी। दूसरी चीज़ हमने कहा कि अब हमने क्या करना है, जहाँ पर हमारे प्लांट्स हैं हमने वहाँ पर डिजीज़ नहीं आने देनी, ठीक है, वहाँ पर हमने पैथोजन नहीं आने देना। तीसरी चीज़ हमने क्या कही थी कि हमने अगर वो आ गया, डेवलप हो गया, तो अब हमने क्या करना है, हमने कुछ ऐसे मेथड्स यूज़ करने हैं जिससे ज़्यादा नुकसान ना हो सके, हमने उसको फ़ौरन से ट्रीट करवाना है। जैसे हम उसका पार्ट काट देंगे प्लांट का, वो वाले प्लांट्स रिमूव करवा देंगे, केमिकल्स को यूज़ कर लेंगे, हीट को यूज़ करेंगे। रेजिस्टेंस के अंदर, प्रोटेक्शन के अंदर क्या था कि हमने कोई प्रोटेक्टिव बैरियर्स लगा देने हैं कि अगर पैथोजन आता भी है तभी वो नुकसान ना पहुँचा सके। रेजिस्टेंस के अंदर क्या था, हमने रेजिस्टेंट वैरायटीज़ यूज़ करनी है जो क्या है, उससे क्या होगा कि फिर वो वाले जो प्लांट्स होंगे वो खुद पैथोजन से लड़ सकते हैं, उनको किसी भी किस्म के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और लास्ट है थेरेपी, जिसके अंदर हमने कहा था कि इसके अंदर हमने कोई भी ऐसा मेथड, कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ करनी है जिससे क्या है कि जो पैथोजन है वो इनएक्टिवेट हो सकें, ख़त्म हो सकें और प्लांट को नुकसान ना पहुंचा सकें। तो उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर आपको इसके अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा अपने फ्रेंड्स और जो फेलोज़ वगैरह उनके साथ भी शेयर करें और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो करें। थैंक यू।